नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ, तो अगर आपको किताबों में रुचि है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो इस वीडियो में मैं आपको जिस किताब के बारे में बताने वाला हूँ वो है बकर पुराण। अब नाम से आपको लग रहा होगा कि भाई ये कैसी किताब है, बकर भी है और पुराण भी है। और इसे लिखा है अजीत भारती जी ने और ये हिंद युगों में प्रकाशित हुआ है। तो मैं नाम की बात कर रहा था कि इसमें बकर भी है और पुराण भी है, तो ये बकर पुराण ही है एक तरह से। और मुझे उतने कुछ खास नहीं लगे। व्यंग के नाम पर काफ़ी चीज़ों को काफ़ी तुकबंदी करने की कोशिश की गई है इस किताब में। विषय वही सब है जो एक, और इसको एक जॉनर, एक अलग से नाम दिया गया है इसमें, बैचलर व्यंग। तो एक नया जॉनर निकाला है हिंद युगम इस चीज़ के लिए। काफ़ी ये जाना भी जाता है कि वो नई वाली हिंदी और नए नए जॉनर, इस तरह की चीज़ों को वो लेकर आ रहे हैं और एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हिंदी साहित्य में। कई कई चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से कुछ जो आप कह सकते हैं कि बाई कैसा बाई प्रोडक्ट निकला जो कि अच्छा नहीं है। और ये सही में एक बकर ही है, एक बकवास ही है। ये छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है और इसमें वही सारी विषयों को उठाया गया है जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर है, जैसे कि ऑफिस की दिवाली हो गई या बैचलर की चाय हो गई, फूड प्रेफरेंस जो चेंज हो रहे हैं लोगों के, पकौड़े से पास्ता की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें और इन सारे विषयों को लेकर उन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की है। तुकबंदी ज़्यादा है, बकवास भी है बहुत इसमें। मेरा ऐसा मानना है, मतलब इस तरह के बकवास शायद हम लोगों ने भी अपने, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप शायद करते होंगे अपने दोस्तों के साथ। मैंने भी किया है अपने मित्रों के साथ जब स्टूडेंट लाइफ में, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की है और सभी करते भी हैं। इसमें कुछ वो नहीं है कि ये इस चीज़ को क्यों उठाया उन्होंने, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो जब बात चल रही होती है और उसमें उस समय उस एक फ्लो होता है, उसमें लोग बकवास करते हैं और उसके बाद से एक कॉन्टेक्स्ट बन जाता है वहाँ पे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जोक का मतलब भी समझ में आ जाता है, क्यों ऐसी बात हो रही है, क्या हो रही है, तो हंसी भी आती है और लोग काफ़ी इंजॉय भी करते हैं और फिर वो याद भी करते हैं बाद में। लेकिन उस चीज़ को जब आप लिखते हैं, तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि व्यंग के ऊपर और हास्य के ऊपर सबसे मुश्किल बात यह होती है कि अगर कोई चीज़ से लेकर आपको हंसी आती है तो लिखकर पाठक को इस तरह से समझाना, इस तरह कि पाठक को भी वैसे ही हंसी आए, ये ज़रूरी नहीं है, ये बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो शायद वहाँ पर मुझे इसमें कमी लगी उस चीज़ में, और विषयों को भी मुझे काफ़ी, मुझे लगा कि सतही और ज़बरदस्ती कुछ बॉलीवुड के गानों को ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश की गई है। तो मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा इस किताब को। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर हाँ मतलब ये अमेजोन पे उपलब्ध भी है शायद, तो आप वो पढ़ना हो तो आप पढ़ें। और तो ये रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नई किताब, एक नई चर्चा के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।